தர்ம பிரமேச ஜனோ ஆரிய பந்து ஆப் லோகோனே தேகா ஹோகா பிச்சலே தின் யா பிச்சலே சப்தா கி மஹேந்திர பால் கே கியே ஹுயே காரிய பர் லோக் உங்லி உடா ரஹே ஹே சந்தேஹ ஜதா ரஹே ஹே ஆயியே மேரே கியே ஹுயே க்யா காம் ஹே मैं आज आप लोगों को सुनाता हूँ, जरा इस मोबाइल रिकॉर्डिंग को सुनिए। नमस्कार गुरु जी, व्हाट्सएप में देखो गुरु जी राशि आने वाले हैं 1200। हाँ हाँ, तो गुरु जी हम है ना गुरु जी, अगर तो 11 तारीख को पटना में ना जाएंगे गुरु जी, तो हम 12 तारीख को आपका प्रोग्राम में रहे हैं गुरु जी। शुद्धिकरण में हमको क्या करना होगा, उसमें कुछ करना नहीं होगा, खाली मैं वहाँ परिचय तो कराऊं लोगों से किस तरीके से तैयार हुए हैं। हाँ बस, और क्या, तो मतलब मीडिया भी रहेगी क्या? मीडिया भी रहेगी वहाँ का? ना ना ना, और कोई नहीं। और तो मेरा एक दोस्त भी है, उसके साथ भी अगर हम लोग का पूरा टास्क, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे गुरु जी, अगर 11 तो नहीं निकलेंगे ना गुरु जी, तो हम आपसे आपसे चरण स्पर्श जरूर करेंगे आपसे। मैं यही उम्मीद से आपको बोला। हाँ हाँ हाँ, तो गुरु जी थोड़ा पटना में हम लोग का काम बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो सर हम लोग को बोल दिए कि 8 तारीख से बोले जाने के लिए, तो हम बोले ठीक है 11 तारीख को आइए। अगर 11 तारीख को अगर नहीं गए गुरु जी, तो हम आपका चरण स्पर्श करेंगे। मैं अपने लोगों से कम अपने सर्कल का परिचय तो कराऊं कि किस तरीके से बच्चे तैयार हुए हैं, हो रहे हैं। हाँ 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 हाँ, गुरु जी हम दिल से आपका, जब से हम देखे ना, हम दिल से एक्सेप्ट कर लिए सबसे सनातन को, आपका सारा कुछ, आप जो नोट करके लिए कुरान से, हमको आपका भाषा, आपका दिया हुआ ज्ञान है ना, मेरा दिल में छप गया है। मैं वही तो, मैं कोई लोगों को यही कहना चाहूंगा ना कि किस तरीके से तैयार हुआ है, अपनी तैयारी किस तरीके से की है, उन्होंने सच को जाना। अरे ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हम तुमको भी मुसलमान बनाएंगे, एक महेंद्रपाल आर्य को भी मुसलमान बना कर चलने की जगह पाए तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं सचिन कौन है और किस तरीके से महेंद्रपाल के चर्च में आकर के कैसे अपनी अपनी तैयारी की है, ये बात। ठीक है गुरु जी, हम पूरा कोशिश करेंगे गुरु जी। बंधु सुना आप लोगों ने यह आवाज़ मोबाइल की, ये है शकील अहमद जो ये रांची के रहने वाले हैं, और किस तरीके से इस्लाम से मोह भंग हुआ है इनका महेंद्रपाल आर्य के टच में आने से, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है, ये सरकारी मुलाजिम है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए ये काम कर रहा है। भाई मेहताब जी कहाँ रह गए आप, भाई बड़े दिन में दिखाई पड़े, कब क्या हुआ आपका बीएड का, कब आ रहे हैं आप, आपके इंतजार में वहां बाराबंकी वाले बैठे हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि इसका नाम शकील अहमद है जो रांची का रहने वाला है, पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है और इस्लाम से ताल्लुक रखता है, सरकारी मुलाजिम है, पर महेंद्रपाल के टच में आने के बाद किस तरीके से उन्होंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। अभी 12 तारीख को राजार्य सभा का कार्यक्रम है, यानी राजार्य सभा की बैठक है रांची में श्रद्धानंद मार्ग आर्य समाज में, तो कई बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कईयों का शुद्धिकरण किया मैंने, उन लोगों को भी मैं बुलाया हूँ।
तो शकील को भी निमंत्रण दिया था। इस तरीके से मेरे किए हुए कामों पे लोग संदेह कर रहे हैं। वो कह एक ने कहा कि कोई शुद्धि बुद्धि नहीं किया, मेरे पास प्रमाण है। लिया प्रमाण तेरे पास क्या है? मैं चुनौती दे रहा हूं, किसके पास क्या प्रमाण है वो लेकर सामने आओ। जितना भी परावर्तन का काम दिल्ली प्रदेश में मैं किया हूं, हिंदू संगठन का स्वदेश पाल जी के साथ लगभग 18-19 वर्षों से मिलकर के जितना भी परावर्तन का काम है मैं किया हूं। और खूबी की बात यह है कि मैं जिनका शुद्धिकरण किया हूं, कराया हूं, शुद्धि सभा से ही मैंने उनका सर्टिफिकेट बनाया, उनके प्रमाण पत्र मैंने शुद्धि सभा से ही बनवाई है, इसलिए सारा रिकॉर्ड शुद्धि सभा के पास भी है। अब आइए, जो लोग ये चिल्पो करते हैं ना, पिछले दिन फिरोजपुर झिरका मेवात का एक बच्चा जिसका नाम है ललित, जो मुसलमान बन गया और माँ बाप परेशान, उसको ला नहीं पा रहे थे, निर्माती सभा वालों के सत्र में रखा उसको कई बार, लेकिन निर्माती सभा वाले भी उसे नहीं समझा पाए और वो निर्माती सभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये यशपाल जी और उनके चचेरे भाई उनके द्वारा नांगलोई में आए। और वो आते समय एक अपने हाथ में ब्लेड से चीरा लगाकर पुलिस पुलिस चिल्लाने लगा, जबकि उसके पिता भी उसके साथ थे, और पुलिस वाले से कहा कि मैं मुसलमान हूं और ये लोग मुझे काफी लोग मुझे पकड़े हैं, मुझे ले जा रहे हैं। फिर उसके पिता ने और सारे लोगों ने उनको समझाया भादरस गुरुकुल में। फिर वो बच्चा मेरे पास जब आया और मैं उसको घर वापसी किया हूं, आज उसका फोन आया, उसका एक बेटा एक बेटी है। उसके पिता ने कहा कि पंडित जी अगर ये चले गए होते तो हमारे बच्चे भी उन्हीं में मिल जाते, उन्हीं में चले जाते। देखिए उनके पिता ने क्या कहा है और किस तरीके से मैंने उनको वैदिक धर्मी बनाया है, ये नमूना आप लोगों के पास मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हेलो भाई, ललित बोल रहा हूँ, ललित बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते। और पंडित जी बिल्कुल परमात्मा की दया है। मैं प्यार लालू जी, ललित का पापा। मैं ललित का पापा हूँ, प्यार लाल। आज मैंने जी पढ़े जी से पार्टी चल रहा है, राजी खुशी कैसा है परमात्मा की दया है। गुड़गांव से बोल रहे हैं? हाँ, ये फिरोजपुर जिला के पास में है ना हमारा। ठीक है मुसलमान बन गया था ना। और हाथ में चक्कू लगा करके आपको भी फंसाने का प्रयास किया था, परमात्मा की दया देखिए। परमात्मा ने आपके द्वारा परमात्मा ने सही काम कर दिया। हाँ तो आप मुसलमानों में गया होता, बताइए कितना नुकसान हुआ हमारा। हाँ कितना नुकसान। और आज की तारीख में कम से कम छोड़ा चुका हूँ। हाँ जी यहाँ से पहुँचाने के बाद 10,000 कोई रोटा कोई नहीं कर पाई। ललित ने प्रॉमिस किया था कि पंडित जी मैं घर वापस आ गया हूँ आपके आपके बदौलत, और मैं जिंदगी भर आपके इसी रास्ते पे चलता रहूंगा, मैं भी बदलूंगा उन लोगों का। बदल ले रखा हूँ उसने। हाँ जी। और अब भी ऐसा है पंडित जी,
एक हमारे यहाँ भोजन नाम है, एक अली कौन सा है और बाल पहचान से रह रहा और मुसलमान मत के रह रहा हूँ, अब उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। संपर्क करिए, मिलाइए, तो प्रयास करने में क्या डर है? प्रयास हम करते हैं, हमने पुलिस भी भेजी, उसके बाद पुलिस ने मना कर दिया, मैं तो अपनी मर्जी से हमें किसी की डाब में तो रहना, और वो यहाँ आ रहा है स्थान का, अभी हमें यार इस बात से जो हो रहा बहुत मोटा। मैंने ललित सिंह कहा, मैंने बताने का पापा ऐसा है, ये काम ऐसा ना है, इनमें हम भी तो पटक है। हाँ खैर वो तो है जी, अगर इसके माँ बाप चाहते हैं हमारा तो हमारा कदम उठाना चाहिए। नहीं तो उसको ये कहा जा सकता है कि भाई तू अकेला क्यों बन रहा है, हम लोग भी बनना चाहते हैं, हम लोगों को भी बनवा दे। हाँ वही तो है, अभी चलो देखेंगे, जैसे भी जुगाड़ बनेगा फिर मैं आपके लिए फिर मैसेज दूंगा। हाँ जी जी बोले, हम लोगों को भी मुसलमान बनवा दो भाई, अगर तुम अकेले क्यों बन रहे हो। हाँ हाँ वही तो है, हमारा ललित इतना पक्का हो गया है कि ललित को ये हराना पूरे गुड़गांव में चीज के पास बस की बात है। इतना बहुत ज्यादा पक्का होगा जी। हाँ परमात्मा की अति अनुकंपा है कि, और अगर फिर दूसरी बात है वो तो मदरसा में जा कर के वहाँ रहा ना, वो चिल्ला में गया हुआ, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ घूमा, तो उधर का भी सीखा, फिर मेरे साथ आने से मैं भी अपना धर्म की सच्चाई को जाना उसने। और तबीयत ठीक है जी? जी हाँ, परमात्मा की दया है, शुक्र है बाली का। जैसे निर्मात्री सभा वालों ने ललित को नहीं बदल पाया, निर्मात्री सभा के साथ जुड़े थे आप लोग, लेकिन निर्मात्री सभा वाले ये काम नहीं कर पाए जो काम महेंद्रपाल आर्य ने करके दिया है। ये तो सही कह रहे हो जी आप, इसमें तो मैं भी मान रहा हूँ कि इसमें बदलाव नहीं आ रहा है अभी निर्वाचन में, निर्वाचन सभा में मतलब रुचि नहीं है लोग, क्या बताया जाए, मुझे हम काफी कसाला कर रहे हैं, लेकिन लोग बात नहीं बैठे समझ में, नहीं तो कहाँ फिरोजपुर झिरका, आप कहाँ से दिल्ली आए नागरी में, मेरे साथ संपर्क होने के बाद ही हम ललित को ललित बना पाए। परमात्मा का आशीर्वाद है ललित पर। एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का सकूल जाता है, और अच्छी लड़की आई है उसके, थानदार की बहन है, बताइए अगर वो मुसलमान में रहता तो ये हमारे जो बच्चे जो उनके घर में है वो भी तो उनमें चले जाते, बताइए। और क्या, वही तो है। अब आप लेवा की तरफ कब आओगे? मैं देखता हूँ कोई प्रोग्राम बन रहा है तो मेवात में मैं आकर के तो संपर्क कर लूंगा। जब भी आओ ना तो अब हम मैसेज जाना पड़ेगा, मतलब पता जब भी लग जाए। हाँ मैं बता दूंगा। हाँ तो देख, आप टहला है फिर हम तो आपके नाम सुन के ही वहाँ पहुँच जा रहे हैं। हाँ जी जी, आप फिर उसको झिरका में भी था कार्यक्रम। हाँ हाँ ऐसा है पंडित जी, ये पंडित जी बोल रहे हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लो, आर्य समाज में। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताइए। नमस्कार। नमस्ते बोलिए, आर्य समाज का एक और नमस्कार का कोई क्या मतलब है भाई? नहीं नमस्ते नमस्कार बात तो एक, बाप और बेटा दोनों बता देती है। नहीं आप यू तो वो माता जी कह रहे कि आप आ रही समाज। चलो चलो चलो, कोई नहीं, बढ़िया, सब बस परमात्मा की दया।
जी हम प्रोडक्ट है ना ललित को, ललित जो मुसलमान अपने हाथ में ब्लेड मार करके पुलिस वालों को घर वालों को भी पकड़वाना चाहा। आज वही ललित हमारे टच में आने के बाद आज परमात्मा की दया है, ललित कईयों को जो मुसलमान थे उनको वापस किया है। ये निर्मात्री सभा वाले सभा वाले नहीं करा पाए थे वो जो महेंद्र पाल आर्य ने किया है। क्या है, हम रहते हैं बाहर गुड़गांव, तो काफी दिन हो गए वहीं पे रहते हैं हम, तो इस वजह से थोड़ी लैंग्वेज। अदम सिंह जी को जानते हैं? हाँ जी जानता हूँ। तो मेरी ओर से नमस्ते कह दीजिएगा, कहिएगा कि पंडित जी से मेरी बात हुई, उन्होंने नमस्ते भेजा है आपके लिए। हाँ जी ठीक जो आप लोगों ने देखा सुना ये इरसपुर झिरका का रहने वाला ललित नाम था, ललित नाम है, मुसलमान बन गया था, तबलीगी जमात में जाकर के चीला लगाना और तब मस्जिदों में मदरसा में पढ़ना ये सारा काम हो रहा था उसका। घर वाले परेशान थे, निर्माती सभा से ये लोग जुड़े हुए थे, निर्माती सभा वाले उसको घर वापसी नहीं करा पाए तो मेरे पास आए, तो मैं उसका घर वापसी कराया। ये उसकी आवाज़, ये बनाया हुआ नहीं है, ये आप लोगों के सामने जीते जागता प्रमाण है। पहला जो दिया वो शकील अहमद जो रांची का रहने वाला है, उसको किस तरीके से वैदिक धर्मी बनाया, ये मैं केवल नमूना दे रहा हूँ। ऐसे ही हजारों, एक दो नहीं हजारों नमूना मेरे पास है, लेकिन अकल के दुश्मनों का ये कहना है कि किसी को शुद्धि नहीं करी और ये हिंदू लड़कियों को मुसलमान में शादी कराया, ये पूरा झूठ है, ये झूठे हैं, मकार हैं। काम तो करना आता नहीं है, जो काम मैं करके दिया हूं, मैं तो बोला कि सात जन्म में भी नहीं कर पाओगे, इसलिए छोटी मुंह में बड़ी बात मत करो। आर्य समाज की हो, मैं दो टुक में और बोल रहा हूं कि बहुत सारे आर्य समाज में आए थे लोग, इन्हीं दुर्व्यवहार के कारण लोग वापस चले गए। मेरे साथ हम तो जब आए थे उस समय हम एक साथ छह लोग आए थे, मित्र जीवन मुसलमान बनकर के मरा, इस्लाम उल हक बनकर के मरा, जयप्रकाश वो भी मुसलमान बनकर के मरा, डॉक्टर अमरेश वो अभी जीवित हैं लेकिन मुसलमान बन गए हैं, और आनंद सुमन, आनंद सुमन के नाम से है लेकिन पिछले दिन सेक्स स्कैंडल में फंस गया था, नरेंद्र तिवारी को लड़की अप्लाई करते हुए पकड़ा गया था, 3 वर्ष जेल में रहा। तो ये सारा महेंद्र पाल को आप लोगों ने चौकीदार के रूप में जहां खड़ा किया है, महेंद्र पाल वही खड़ा है, वही दरवानी कर रहे हैं। हमने अपने स्थान को बदला नहीं है, परमात्मा की आवाज से अनुकंपा है कि मैंने इसीलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म को केवल अपनाया नहीं, सारे बच्चों को गुरुकुलीय शिक्षा दिला करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने के लिए लगाया है। एक बेटा गुरुकुल के आचार्य हैं, दामाद भी गुरुकुल के आचार्य हैं, सारे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ज्यादा बोलो मत, मैं अपने सामने न खाता खोलने दिया हूं किसी को, न दूंगा। और फेसबुक में मैं अभी डाला हूं, इमरान खान जो के दिल्ली में रानी बाग में रहते, उन्होंने मुझे लिखा कि पंडित जी आपके जो तर्क हैं और आपके अकाट तर्कों से लोग घबरा जाते हैं और आप जो चुनौती देते हैं कोई सामने आना नहीं चाहता, वो लिखा पढ़ी करने वाली बात आप लिखते हैं बताते हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई इमरान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं जो चुनौती देता हूं, मैं जो कहता हूं वो सत्य के आधार पर कहता हूं, और सत्य को कोई हरा नहीं सकता है, सत्य के
सामने भी कोई टिक नहीं सकेगा और न सका है और न टिकना संभव है। फिर उसने लिखा कि पंडित जी, मैं तो बहुत मौलानाओं को भी भेजता रहता हूँ आपकी वीडियो, बहुत से बातें भी करता रहता हूँ, और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आज कई वर्षों से वो इमरान खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उसने भी कुरान पर किस तरीके से सवाल उठाया जा सकता है उस पर वो सहमत है। तो इस तरीके से ये मेरा काम निरंतर 35 वर्षों से चल रहा है। लेकिन एक कोई रमेश आर्य है, उसने मुझे गाली दी और गोली मारने की भी धमकी दी। मैं FIR करने वाला था, लेकिन हमारे एक मित्र ने कहा कि पंडित जी, कुत्ता काटते हैं पाँव में, लेकिन कुत्ते के पाँव में कोई नहीं काटता है, इसीलिए हाथी जैसा मस्त चाल से आप चलते रहे, भोंकने वालों को पीछे भोंकने दीजिए, इसलिए मैं रुक गया। तो खैर, मैं 2 टुक समय आप लोगों का लिया। ये भाई मेहताब खान देख रहे हैं, ये हजारीबाग के रहने वाले हैं, ये भी सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाए हुए हैं। ये वहां से ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए और इनके प्रबंध में बाराबंकी में सारा कर दिया हूँ। ये मेहताब खान जो हमारे इसमें देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से महेंद्र पाल का जो काम है वो किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई सर्टिफिकेट बना के दे, ना ना ना, मेरा काम दुनिया वालों के सामने में है जो काम मैं किया हूं। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ ये आप लोग के सामने 2 टुक में ये रखना जरूरी था, क्योंकि मैं रविवार नहीं रहूंगा। राजार्य सभा का कार्यक्रम है, राजार्य सभा की बैठक है रांची में, आचार्य चंद्रदेव जी भी आ रहे हैं और बंगाल प्रदेश अध्यक्ष भाई योगेश शास्त्री जी ने भी आना है, उन्होंने मेरे टिकट लिया है, मैं उनके पास हूँ, इसलिए मैं रविवार को लाइव वीडियो में नहीं रहूँगा। फिर आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि विनय उपाध्याय जी क्या लिखे हैं, हिंदुओं को गुरुकुलों की संख्या कैसी बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी जो गुरुकुल चला रहे हैं उनको पूछिए, पर गुरुकुल आर्य समाज के संस्था गुरुकुलों पर किसी का नियंत्रण है क्या? जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं भारत भर में, सब निजी मालिक है, सब निजी मालिक है, उन लोगों का कोई मालिक नहीं है और किसी का नियंत्रण उन लोगों पर नहीं है। लेकिन आर्य समाज में भी बुगनी मारने वाले लोग ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि हम गुरुकुल में पढ़े और गुरुकुल में हमको कुरान सिखाया गया, कुरान पढ़ाया गया, बाइबल पढ़ाया गया, मौलवी आकर के पढ़ाते रहे, पादरी आकर के पढ़ाते, कोरा झूठ है। क्योंकि भारत भर में कोई ऐसा गुरुकुल नहीं है जहां पर कुरान और बाइबल की पढ़ाई होती हो। पिछले दिन भाई धर्मवीर जी ने पुरकारनी सभा में प्रयास किया था, लेकिन वो मौलाना को वेतन नहीं दे पाए, वो छोड़ गए, कुछ दिन रहे वहां मिनहाजुल अरबिया से उन्होंने शुरू किया था। मैं भरतपुर में कार्यक्रम में था, एक बच्चा आया, वो उसके पास भी पुस्तक थी, वो किताब मुझे दिखाई, पंडित जी ये पढ़ाया जा रहा है। तो ये केवल परोपकारी सभा में थोड़े दिन के लिए जोड़ा गया था, ये कोरा झूठ है जो ये कह रहा है कि मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ और गुरुकुल में मौलवी से और पादरी से कुरान और बाइबल की पढ़ाई कराई जाती है और हमने किया है, वो कोरा झूठ है। इसलिए कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ना सीखिए, बेतुकी बातों को कहकर देना उनको बदनाम न करिए, सत्य को धारण करिए, असत्य को त्याग दीजिए। ऋषि दयानंद के यही मान्यता है, सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो रास्ता है वेद का। वेद के साथ जुड़ना पड़ेगा, सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानना पड़ेगा, परमात्मा को जान तब पाएंगे, उससे पहले परमात्मा का जाना जाना संभव नहीं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को राजार्य सभा का सदस्य बनने के लिए या सदस्यता लेने के लिए पिछले दिन भी लिख करके दिया था, आज भी अपील कर रहा हूं कि सही अर्थों में इस राष्ट्र को अगर आर्य राष्ट्र बनाना है तो राजार्य सभा ही एकमात्र है जो वैदिक परंपरा के प्रचारक प्रसारक, क्योंकि हमारा जो बायलॉज बना है
वो सत्य प्रकाश के छठा समुल्लास के आधार पर है। इसीलिए मैं आप लोगों से चलते चलते यही विनती कर रहा हूँ कि सत्य प्रकाश के आधार पर हमारा बायोलॉज बना हुआ है, जो छठा समुल्लास है, ऋषि दयानंद ने राजधर्म लिखा है, उसी बेस पर आचार्य चंद्रदेव जी वर्तमान समय में उसके अध्यक्ष हैं। और खूबी की बात यह है कि आचार्य जी के अध्यक्ष बनते हुए बनने पर 50 विद्वानों को उन्होंने कार्यभार सौंप दिया है। बहुत से संगठन है, बहुत से संगठन बनाए लोगों ने, वहां पर विद्वानों की दर्शन तक नहीं, एक विद्वान ही है पढ़े हुए, दूसरा कोई विद्वान ही नहीं है, विद्वान को नहीं जोड़ पाए। और विद्वान को क्यों नहीं जोड़ पाए ये तो वही जाना है। लेकिन आचार्य चंद्रदेव जी ने राज्य सभा के अध्यक्ष बनते ही 50 विद्वानों को जोड़ा है इन्होंने। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि वैदिक विद्वान, ये नहीं कि श्रीनाम वाले, वैदिक विद्वानों को इन्होंने जोड़ा है, जो ऋषि परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को जोड़े हैं। यही राज आर्य सभा का उद्देश्य, इस राष्ट्र को आर्य राष्ट्र बनाए। अगर आप लोग जुड़ते हैं सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए, तो आप लोगों को भी मैं निमंत्रण दे रहा हूं, राज आर्य सभा के सदस्य बनिए और इसी सभा के माध्यम से सत्य सनातन वैदिक धर्म, ऋषि दयानंद, आर्य समाज, वैदिक मान्यता को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते के साथ। मैंने मुझे कुछ दिया नहीं, भूख